नमस्कार, प्रणाम मित्रगण। हम वाणी धर्म दुबे hindiraj.com में आप सभी के बहुत स्वागत बा। भोजपुरी गलियारिक बात की जाए तो आज माहौल बहुते गर्मा गर्म बा। हम 5 टॉप ट्रेंड स्टोरी आपके सामने पेश करत है। शुरुआत आम्रपाली दुबे के न्यूज के साथ है। सुपरहॉट आम्रपाली दुबे से निरहुआ नाराज हो सकत है नु काही से कि आम्रपाली दुबे ने अपने जान विदा एक बर्थडे विश किए हैं। आपके लागत होए कि आज निरहुआ के बर्थडे बा तो ई बात गलत बा। आपके बताए दे कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के आज जन्मदिन बा और यही बदे आम्रपाली दुबे सलमान खान के विश किए हैं वो लिख के की जान। इतने ना ही आम्रपाली दुबे जो हैं बहुत सारा हॉट पिक्स भी सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं जेका देखे के बाद सभी फैंस कातिलाना कमेंट देते हैं। अगर आपके इंटरनेशनल लिट्टी चोखा सीखे के हो तो चिंता करे के कोनो बात ना ही बा। कहीं से कि अभिनेत्री नानी चटर्जी के वीडियो सवेरे से बहुत तेजी से वायरल होत बा। रानी चटर्जी इस समय बिहार पहुंची हैं अपन एक फिल्म के शूटिंग बदे, लेकिन वीडियो में हमसे जौन देखे हैं वीडियो में रानी चटर्जी अपने चाची के साथ बैठी हैं और बहुत बढ़िया तरीके से लिट्टी चोखा बनवत हैं। अपने प्यारे प्यारे हाथ से गोल गोल तरीके से लिट्टी बनवत हैं, ओका जौन बा पकावत हैं और ओकर जौन विधि बा बनवाई वाली उ सभी के बताए हैं। रानी चटर्जी अक्सर ही सोशल मीडिया पे सक्रिय रहतीन काहे से कि अपने फैन से उनका बहुत प्यार बा। अगर आप उनकर फैन हैं तो आप देखा तो बा कि लगातार कुछ ना कुछ अपडेट रानी चटर्जी देत रहतीन। नेशनल लेवल पर अपन पहचान बना चुकी अभिनेत्री मोनालिसा भोजपुरी दुनिया के स्टार बन चुकी हैं, ये तो अपने के पता है बा। लेकिन खास बात ये बा कि पवन सिंह के जौन नया गाना बा ओकरे साथे मोनालिसा बहुत ही फेमस हो चली जात हैं। गाना के नाम बा चोलिया अम्बा रसगुल्ला। जी हाँ, नाम सुने के बाद बड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन एकर जौन दोनों जने में केमिस्ट्री देखा जात है बहुत ही हॉटनेस भरी बा। अब तक ई वीडियो के 8 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुका हैं। अगर आप ई वीडियो देखत है तो आपके हम सावधान करा चाहते हैं, आपके एक बात बोला चाहते हैं कि आप जहाँ भी ई वीडियो देखा रच के अकेले ने देखा नहीं भाई साहब गदर मची जाए। सपना चौधरी जे हरियाणा में तो फेमस रहवे की हिन, लेकिन उत्तर भारत में भी अपने फैंस की संख्या लगातार बढ़ावत चली जात हैं। कारण बा उनकर प्यार भरी मुस्कान और बहुत बढ़िया वाला डांस। लेकिन मजा तब आएगी जब सपना चौधरी भोजपुरी में बतियावे लागिन। जी हाँ, माहौल रहा बहुत भीड़ वाला। सपना चौधरी कहीं कि का हो तो कसे का लागत बा, हमें भोजपुरी ना आवत, हम भोजपुरी बोल सकीला, भोजपुरी में गाय सकीला। तब का रहा खेसारी लाल यादव सुपर हिट सॉन्ग ठीक है, पर सपना चौधरी इतना बढ़िया गाना गायन कि माहौल बन गया और वहाँ मौजूद जितना पब्लिक रहें ना सब बेकाबू हो गए। तो भैया, आज की इस बुलेटिन में आखिरी वाली जोन खबर बा उस सबसे बढ़िया और सबसे मस्त खबर बा। आपके हैरानी हुए ई जानकर कि भोजपुरी फिल्म जोन बा वो एकदम कड़ी टक्कर देत बा बॉलीवुड फिल्म के। जी हाँ, हम आपके बताए देवा चाहते हैं कि साल 2017 में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा अगर कोनो चीज़ देखी गई बा तो भोजपुरी फिल्म देखी गई बा। दरअसल आजकल आर्थिक तंगी सभी के लगे बा और केहू के लगे समयो ना आए बा। अगर बॉलीवुड फिल्म देखा एक बा तो जाए पड़े कोनो थिएटर में कोनो मल्टीप्लेक्स में, इतना समय के हुक लगे ना होत। उनकरे लगे रहा था एक मोबाइल रहा था, मोबाइल में आराम से कोनो भी चीज़ डाल लेवा करा अपन पिक्चर देख लेवा करा। भोजपुरी पिक्चर बहुत ही आसानी तौर से उपलब्ध रहा था, यही वजह जितना जने हैं ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी देख लेवा करते हैं। लेकिन कतार में यानी दूसरे और तीसरे नंबर पर साउथ और पंजाब के फिल्मों के भी नाम चलत बा। मिलाए जुलाए के एक बात कहा जा रही कि भोजपुरी की दुनिया लगातार बड़ी चली जात बा। भोजपुरी में जौन बा अच्छा खासा पैसा लागत बा, भोजपुरी की कहानी बहुत बढ़िया लिखी जात बा और भोजपुरी के जौन शूटिंग बा वो विदेशों में की जात बा। यानी टक्कर के मामले में भोजपुरी फिल्म जौन बा वो बॉलीवुड के पिछाड़ा था। भोजपुरी की कंटेंट, भोजपुरी की न्यूज़ अगर आपके बढ़िया लाग हो तो हमारे एक छोट के विनंती बा आप ये वीडियो के लाइक करा, शेयर करा और हिंदी रश के सब्सक्राइब करा। नमस्कार, धन्यवाद।